कम नहीं हो रहा स्वाइन फ्लू का कहर। इंदौर में मौत का आंकड़ा 75 से ज्यादा हुआ। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जैसे कि दावे किए जा रहे हैं कि तापमान बढ़ने के साथ ही स्वाइन फ्लू का विषाणु खुद ब खत्म हो जाएगा, मगर हकीकत इसके उलट है। इंदौर शहर में मौसम बदलने के साथ तापमान तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। ताजा जानकारी के मुताबिक स्वाइन फ्लू से 3 और लोगों की मौत के साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 75 के करीब पहुंच गई। दूसरी ओर शहर में स्वच्छता के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर कचरा कोठियों के आसपास की गंदगी के ढेर और उनके आसपास मंदराते ढोर साफ देखे जा सकते हैं। इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। इसके साथ ही सरकार ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से सवाल पूछा है कि आखिर इतनी मौतें कैसे हुई, तो जवाब में मेडिकल कॉलेज ने कहा है, ज्यादातर मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट के बिना लाया गया, जिस कारण उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें बचाने का समय नहीं मिला। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर शरद पंडित ने उम्मीद जताई कि तापमान बढ़ने के साथ स्वाइन फ्लू के मामलों में कमी आ जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है और ये केसेस की संख्या लगातार अब कम होती जा रही है। ये जो मृत्यु हुई है या अन्य केसेस जो है, ये पुराने केसेस लगभग पिछले 1 सप्ताह या 10 दिन पूर्व भर्ती हुए। तो ये एक मेरी अपील है लोगों से कि इसमें जो है वो भयभीत ना हो और बराबर हमारे जो शासकीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उसका लाभ निश्चित रूप से जैसे ही टेम्परेचर 28 और 30 के ऊपर जाता है तो ये वायरस स्वतः नष्ट हो जाता है। तो वो भी एक कारण है कि जो है हम ये आशान्वित है कि अगले 2-3 दिनों में इसका प्रभाव घट जाएगा। दूसरी ओर निजी अस्पतालों की लापरवाही भी इस मामले में सामने आई है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत संक्रामक बीमारियों की सूचना प्रशासन को देना जरूरी होता है, लेकिन कई निजी अस्पतालों ने इस नियमों का खुला उल्लंघन किया और अपने यहाँ भर्ती मरीजों की सूचना नहीं दी। इससे मामले और गंभीर हो गए। ऐसे जो भी मरीजों का जो इलाज करते हैं उनको नर्सिंग होम एक्ट के तहत उसकी सूचना हमको तुरंत दी जाना आवश्यक है, जिससे कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो रोगी निवास करता है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सके। तो विभाग और नगर निगम मिलकर ये सब कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन यदि समय पे किन्हीं अस्पतालों द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस पर जो भी नियम नर्सिंग होम एक्ट में जो भी प्रावधान हैं उनके निलंबन के या उनके पंजीयन निरस्ती के, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूरे देश में स्वाइन फ्लू से अब 850 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि H1N1 विषाणु से प्रभावित लोगों की संख्या 14,000 का आंकड़ा पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी हाल ही में इस बीमारी से 812 लोगों की मौत होने की पुष्टि कर चुका है।